सो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग नॉर्मल वीडियो को ना आप लोग फेस स्मूथ एंड हाई क्वालिटी में फेस एनहेंस कर सकते हो एंड फेस वाइट, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप लोगों को एक VPN को डाउनलोड करके एंड उसको ओपन कर लेना होगा। सो दोस्तों ओपन कर लेने के बाद टैप टू कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग इससे आप लोग VPN को कनेक्ट हो जाइएगा। सो दोस्तों हम लोग कुछ इस टाइप से कनेक्ट हो जाते हैं। तो सिंपल से कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ से हम लोग बैक आ जाके कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे। सो दोस्तों कैपकट ऐप को ओपन कर लेने के बाद न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हो उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल से आपके लास्ट में एक कैपकट नाम का एक वाटर मार्क दिखेगा, उसको डिलीट कर लीजिएगा। सो दोस्तों डिलीट कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग एक बार वीडियो पर टैप कर लीजिएगा कोई कुछ इस टाइप से एंड गाइस आप लोग रिटच वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग इवन को कुछ इस टाइप से 100 कर लीजिएगा। गाइस आप लोग देख ही सकते हो इवन को 100 करते ही आपको जो फेस को जो गाइस पिम्पल है वो रिमूव हो गया था। आप लोग पंप को भी 100 करके एंड स्मूथ को भी आप लोग 100 कर लीजिएगा। सो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप लोग स्किन टोन को आप लोग अपने फेस को अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो सिंपल से हम लोग कुछ इस टाइप से इतना रख ले रहे हैं, लगभग 30 के अराउंड या 25 के अराउंड रख लीजिएगा एंड आप लोग वाइट टीथ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा एंड आप लोग अपने वीडियो को अकॉर्डिंग रख के सिंपल से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाइएगा। आप लोग देख ही सकते हो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग जो वीडियो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो पिंपल उम्पल कुछ भी नहीं है आप लोगों को वीडियो में। तो आप लोग यहां से आप लोग अपने फेस को रिटच कर सकते हो। तो सिंपल से आप लोग यहां से क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा गाइस एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग कुछ इस टाइप से थोड़ा सा सैचुरेशन को आप लोग प्लस कर लीजिएगा, लगभग 10 के अराउंड कर लीजिएगा एंड शार्पन को आप लोग 100 कर लीजिएगा। सो दोस्तों शार्पन को 100 कर लेने के बाद सिंपल से एक बार गाइस कुछ इस टाइप से ना आप लोग हाईलाइट को भी थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा एंड वाइट को भी थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा इस कुछ इस टाइप से। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से वाइट को भी थोड़ा सा हम लोग गाइस प्लस कर ले रहे हैं एंड इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से ना एक बार राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद सिंपल से क्या कर लीजिएगा, सिंपल से यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा एक बार गाइस आप लोग अपने वीडियो को वॉच कर लीजिएगा इस कुछ इस टाइप से। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से जो आप लोग का वीडियो है वो रिटच हो गया है। तो सिंपल से यहाँ से एक बार ना वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे गाइस एक बार क्लिक कर दीजिएगा एंड वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड गाइस आप लोग ना सिंपल से यहाँ से आप लोग लेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग ब्लर को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपने पूरे वीडियो में ऐड कर लीजिएगा। सो दोस्तों इतना हो जाने के बाद ना आप लोग मेन वाले वीडियो पे एक बार टैप करके एंड इसको आप लोग ना डुप्लीकेट कर लीजिएगा। सो दोस्तों डुप्लीकेट कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, डुप्लीकेट वाले लेयर को ओवरले में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों हम लोग ओवरले में कन्वर्ट इसको कर ले रहे हैं कुछ इस टाइप से। सो दोस्तों ओवरले में कन्वर्ट कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से आप लोग वीडियो पर कुछ इस टाइप से टैप करके एंड आप लोग स्लाइड कर लीजिएगा आप लोग अपने मेन वीडियो को अकॉर्डिंग। सो दोस्तों स्लाइड कर लेने के बाद सिंपल से एक बार डुप्लीकेट वाले वीडियो पर क्लिक करके एंड आप लोग रिमूव विजिबल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड ऑटो रिमूव को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो आप लोग जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो रिमूव हो गया है एंड आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया है कुछ इस टाइप से। सो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग जो वीडियो का बैकग्राउंड है ना वो भी गाइस रिमूव हो गया है। तो सिंपल से यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार यहाँ से गाइस हम लोग बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद सिंपल से आप लोग यहाँ से ना आप लोग वीडियो गाइस एक्सपोर्ट कर लीजिएगा इस कुछ इस टाइप से। सो दोस्तों आप लोग 4K एंड 4K में करके आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर